students, I welcome to you in this function by heart. जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूरज अपनी रोशनी और फूल अपनी महक और एक मासूम बच्चा अपनी मुस्कुराहट को देते हुए छोटे बड़े का फर्क नहीं देखता। इसके विपरीत कुदरत ने अपनी कलाओं का वरदान कुछ खास लोगों को देता है। जैसे कहा गया है, खुदा ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, खुदा ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया, खुदा ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। हमको बोलने लायक नहीं थे, लेकिन माँ सरस्वती ने हमें यहाँ बोलने के लायक बना दिया। कुदरत का करिश्मा अगर अजीब ना होता, कसम खुदा की कोई गरीब ना होता। कुदरत का करिश्मा अगर अजीब ना होता, कसम खुदा की कोई गरीब ना होता। अगर पैसे से बिकती ज्ञान, अगर पैसे से बिकता ज्ञान, तो हम गरीबों को ज्ञान नसीब ना होता। बगिया में शिक्षक रूपी माली, इस स्कूल रूपी बगिया में शिक्षक रूपी माली, छात्र रूपी पौधों का खुदा होता है। इस स्कूल रूपी बगिया में शिक्षक रूपी माली, छात्र रूपी पौधे का खुदा होता है। वह याद तब आता है जब एक दूसरे से जुदा होता। कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच पठन पाठन का अजीब खेल होता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच पठन पाठन का अजीब खेल होता है। शिक्षक को दुख तब होता है जब उसका पढ़ाया हुआ छात्र परीक्षा में फेल होता है। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, हम लोगों के बीच कई टीचर नए आए हैं, हम लोग को बहुत चीज और कई सालों से कहते चला आया हूँ। हम लोगों के बारे में आप लोग भली भांति परिचित है और कुछ नए सर आए हैं जो कि आप लोगों को कुछ अच्छा दिशा निर्देश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम कुलदीप सर आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश करेंगे, क्योंकि इनको कुछ दिखावा पसंद नहीं है। मतलब जो दिखावा करते हैं तो कहते हैं बकवास है। तो आप लोगों को ओरिजिनल बताएंगे और दिशा निर्देश करेंगे कि क्या ओरिजिनल होता है। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, आदरणीय शिक्षक प्रधानाचार्य महोदय जी को प्रणाम। इस समारोह में सभी छात्र छात्राओं को मेरा आशीर्वाद। कक्षा 9 के जितने भी छात्रों की तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से सभी मेहनत से लोगों को जितना आयोजन किया है, तो उसके लिए तारीफ कम है। और मैं यही लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि यह कहीं भी जाए अपने शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाए और एक नए रास्ते को चुने, जिससे कि यहाँ कहीं भी जाए अगर रास्ते में कोई भी छात्र मिल जाता है गुरुजनों से, तो उसको कुछ नई सीख मिले और उसे कुछ नया ज्ञान मिले और उसको बताए। अगर कोई भी रास्ते से भटक रहा है तो उसको कुछ नया ज्ञान सिखाए। और आप लोगों को अभी बहुत ही दुनिया तय करनी है, क्योंकि इसी में से सभी कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग जो अपना रास्ता चुनेंगे अच्छे कर्मों से अच्छे और महान बनेंगे। और इन लोगों के लिए एक जो नई टेक्नोलॉजी अब हमारे देश में चल रही है, शिक्षा की पद्धति आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारा सरकार ने भी नई नई योजनाएं शुरू कर दिया है, जिससे कि हमारे देश में गरीब वर्ग के भी छात्र आगे बढ़ सके और पढ़ लिख कर महान बन सके। और मैं कक्षा 10 के छात्रों से मेरा अनुरोध है कि कुछ वह अपना अनुभव कक्षा 9 के छात्रों को बताएंगे और इन लोगों को एक नई दिशा निर्देश देंगे, जिससे कि इन लोगों को कुछ
नया ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जो पिछले लोग पढ़े लिखे हैं वो भी उनको बताएंगे, और इसके बाद कक्षा 9 के स्टूडेंट जो है वह भी उनसे कुछ ज्ञान सीखेंगे, और धीरे धीरे ये लोग जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है तो परिवार से पहले सीखता है और उसके बाद स्कूल से सीखता है, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है ना, लोगों के बीच खरीदी जा सकती है ना छीन ली जा सकती है, इसलिए शिक्षा ऐसा हमें मिलना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन संपूर्ण रूप से धन्य हो जाए, और देश विदेश के किसी भी कोने कोने में हम लोग जाए तो हमको शिक्षा से ही आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले और समाज को एक नई दिशा मिले। धीरे धीरे इसी में से कुछ छात्र वैज्ञानिक बनेंगे जो, और जिनकी रुचियां जिस क्षेत्र में हो, मैं ही कहना चाहूँ जिस क्षेत्र में हो वह उसी क्षेत्र में जाए, ताकि अगर कोई विद्यार्थी अगर गणित में तेज हो तो गणित इंजीनियर बने, ना कि वह डॉक्टर बने, क्योंकि अपनी जो रुचियां हैं वह दूसरों के सामने प्रकट करें, परिवार में बताएं कि हमको यह करना, क्योंकि परिवार में भी लोगों का दबाव रहता है, इसी में कुछ लोगों को बहुत दबाव होगा कि पढ़े न पढ़े, और इसके बाद लोगों को जागरूक करने का समय मिले, जिससे कि हमें अपने मन और विचारों को संतुलित बनाए रखने का अवसर मिले। इस सभी वाणी को विराम देते हूँ मैं, इस वाणी को मैं विराम देते हूँ, देता हूँ कि जो भी त्रुटियां हैं मुझे माफ करने की कृपा करें। हर खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी ही जिंदगी मांगे आपसे, सूरज खुदा आपकी जिंदगी में इतना उजाला कर दे कि सूरज की रोशनी मांगे आपसे। और मैं आगे कहना चाहूंगा, हमारे समझ उपस्थित नए सर घनश्याम सर हैं, जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी कब आए, तो आप लोगों को पता है त्रिसूत्र, जो कि सर जी कहते हैं कि हम तीन जन के लिए थी, हर काम तीसरे नंबर पर करते हैं, तीसरे चैप्टर के तीसरी सवाल तीन बार की बताते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि सुजीत सर हम लोगों के बीच उपस्थित है, और तीसरे नंबर पर कुछ बच्चों को दिशा निर्देश दें जो अपने जीवन में उतारेंगे। सुजीत सर अरे वैसे श्री गणेश लक्ष्मी नमः करते हुए सभी शिक्षक जनों को प्रणाम करते हुए आप सभी लोग स्टूडेंट को मैं निर्देश दे दूंगा कि कम से कम 90% लाइए, और जो विषय पढ़ाया गया है उसको तहराइए, तीन बार पढ़िए, तीन बार लिखिए, और 3 घंटा रोज डेली भोर में उठकर 3 बजे याद करिए, उस समय जल्दी याद होता है, और 3 तारीख को अपने मम्मी पापा का 3 बार पैर छुइएगा, क्योंकि आशीर्वाद उस समय मिलता है। अच्छा, तो हम यही कहेंगे कि मैं जब साइंस में लगाइएगा सवाल, जो थ्योरी होगा तो आप लोग 2-3 पेज मतलब लॉन्ग रहेगा, कोशिश करिएगा 3 पेज लिखें, और शॉर्ट रहेगा होगा तो ऐसा बनाइएगा कि मतलब 3 तरह दिखाइएगा उसको, मतलब ठीक है, तो 3 विषय पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, साइंस हिंदी में फेल हो जाएंगे तो काम खत्म, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश साइंस और हिंदी सबसे समझ लीजिए कठिन विषय है, हिंदी को लोग कहते हैं कि नहीं 2-3 दिन पढ़ के पास हो जाएंगे, ये उचित बात नहीं है, हिंदी के गहराई में आप लोग जाइए, जो दोहा लिखे कबीर दास या तुलसीदास के लोग जो समझाए हैं, गुरु के समझा भी नहीं होगा क्योंकि दोहा लोग कोई लोग पढ़ते भी नहीं है, तो गुरु का अर्थ समझिए, गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश,
जो ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें ज्ञान दे, वह गुरु है। जो हमारे मन की बात समझे, वह गुरु है। जो तीन आंख रखता है, वह गुरु है। जो त्रिशूल लिए हैं देवों में देव, महादेव। पहले गुरु तो आपके मम्मी पापा, जिन्होंने जन्म दिया, आपको आगे बढ़ाया, शिक्षा दीक्षा पैसा जो भी खटा दिया। दूसरे गुरु आपको शिक्षक स्कूल में लोग इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, इतना आपको ज्ञान देते हैं, किताबी ज्ञान सब कुछ ज्ञान बताते हैं। और तीसरा जब तीन की बात आएगा तो देवों में देव महादेव। तो संसार में रहने के लिए ज्ञान को ले लेंगे, दो गुरु बना लेंगे, लेकिन तीसरा गुरु जब ऊपर जाएंगे स्वर्ग का दरवाजा तब खुलेगा जब तीसरे गुरु आप देवों में देव महादेव को अपना गुरु मान के आप उनके शिष्य रहेंगे। और तीन सूत्र का पालन करिए, दया मांगे, चर्चा करिए, नमस्कार करिए। इसीलिए तीन का बहुत महत्व है। साइंस में भी देख लीजिए आप लोग, पूरा जितने मतलब समझ लीजिए कि इतना लोग खोज किए हैं साइंस में, जो आप लोग किताब पढ़ते हैं, कितने वैज्ञानिक खोज करके करते मर भी गए, सब कुछ दिए, तब ना आप लोग जाने कि नहीं ये सूत्र ये फार्मूला ऐसे। अगर वो लोग नहीं बताते तो आप लोग जानते हैं साइंस में एरोप्लेन कहाँ से उड़ाना है, कहाँ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, कुछ जानते नहीं जानते। उन लोगों का योगदान है, उन लोगों का योगदान महात्मा समझिए, महात्मा है, उन लोगों का योगदान मत भूलिएगा। और तीसरे गुरु देवों में देव महादेव, ठीक। अब से भी चेक लेना, मरे हुए शहीदों का कफन ना बेच लेना। अभी अभी भी भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अगली कड़ी में मैं समझता हूँ कि बहुत ही साथ दिमाग रखने वाले और सभी एक्टिविटीज को समझने वाले और चारों तरफ ध्यान रखने वाले, और मैं भी बहुत अच्छा समझता हूँ, तो हम लोगों के बीच पहली बार उपस्थित हैं गौरव सर, जो कि धार्मिक ढंग से आपका दिशा निर्देश करेंगे और आप लोग बिना शोरगुल किए भी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सही की बातों को एक्सेप्ट करेंगे। मैं आज उपस्थित सभी टीचरों का सम्मान करते हुए, अपने प्यारे बच्चों का सम्मान करते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ अपना सम्मान, इस विद्यालय का सम्मान, हम अपने टीचरों का सम्मान, अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए मेहनत से पढ़ाई करिए और अच्छे से अच्छे नंबर से पास होइएगा। कुलदीप सर ने एक बात कहा है कला कि अपने अंदर के हुनर को पहचानो। सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर, गार्जियन चाहते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये गार्जियन नहीं जानना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जो चाहता है वही अगर वो करे, उसी दिशा में आगे बढ़े, तो हमेशा वो आगे जाएगा और वो उसके गार्जियन भी खुश होंगे। मैं एक छोटी सी बात किसी की शिकायत सिपा नहीं करेंगे। श्रेया का जो भाई है शुभम सिंह, मेरे परिवार का लड़का है, उसकी मम्मी छोटे पर से ही मतलब जब छोटा था, कक्षा छः पढ़ता था, तभी से चाहती थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, बीटेक करे। वो हमेशा कला की लोगों से बात करती थी, जो रिलेशन के लोग होते थे, कि हम अपने बच्चा का पढ़ाई करी। लेकिन वो यूपी का भी एडमिशन भी करा लिया, हाई स्कूल पास हो गया। उसके बाद जब इंटर में गया, जब उसे मैथ लेने की बारी आई, तो उसे मैथ समझ में नहीं आया, मैथ समझ में आया, क्योंकि उसका होना उस चीज़ में उतना नहीं ध्यान है जितना गार्जियन परेशान थे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वजह से वो आज कॉमर्स पढ़ रहा है और बीटेक की जो डिग्री कलर उसकी मम्मी के दिमाग में थी, आज वो डिग्री उनके दिमाग में रहेगी। इसलिए आप हमेशा अपने हुनर को पहचानिए, ये नहीं कि गार्जियन के दबाव में पढ़िए, कभी नहीं। हर काम गार्जियन के दबाव में कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई गार्जियन के दबाव में मत करिए, कदापि नहीं, जो आपको सही लगे। और हाँ, लेकिन सामाजिक, ये नहीं कि आप अपने मन से जो मन करे वो करें, नहीं, सामाजिक हो, पढ़ाई का मतलब सामाजिक हो, समाज से जुड़ा हो, जो सही हो उसी दिशा में आगे बढ़िए, कभी भी गलत दिशा में आगे मत बढ़िए, जिससे आपका समाज भी खुश रहे, आपका परिवार भी खुश रहे, आप भी खुश रहे। कहने का तात्पर्य यह होता है कि आपके जीवन से आप कितना खुश है यह मतलब नहीं रखता, आपके जीवन से कितने लोग खुश हैं यह मतलब रखता है।
तो हमेशा आप अपने सम्मान को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार का सम्मान का ध्यान रखते हुए, इस परिवार के सम्मान का ध्यान रखते हुए और अपने टीचरों का सम्मान का ध्यान रखते हुए अच्छे और मेहनत से पढ़ाई करिए और अच्छे अंकों से प्राप्त करिए अंक अच्छे अंक और सफल बनिए, जिसे हम कभी देखें आपसे मिले तो हम दूसरों को बता सके कि ये मेरा पढ़ाई वाला लड़का है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मैं मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर जी लोग बोले हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, आप लोग हाई स्कूल में हैं, आप जानते हैं कि हम लोग कितना पढ़े हैं, कितना नंबर लाएंगे, हम लोग भी जानते हैं कि कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। मतलब इसमें देखा देखी जो पढ़ने वाले भी थे वह भी बिगड़ गए। आप पढ़ने के लिए आते हैं, पैसा देते हैं, फीस देते हैं, सभी लोग आपसे आश्रित कि हमारा बच्चा गया पढ़ने के लिए, कुछ आगे जाकर बनेगा, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। ऐसा समय ना गवा दो कि आप ऐसे जगह पहुंच जाओ जहां पे आपको सोचने का मौका नहीं मिले। ठीक है, तो यह जिंदगी या लाइफ बार बार नहीं मिलती किसी को, तो इसका अच्छे से यूज करिए, अच्छे ढंग से कुछ बन जाइए, नहीं आगे का जमाना इतना खराब है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम कहाँ पे आ गए। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी इतना समय नहीं मिल रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास बहुत सारा समय है, उसको देखते हुए आप पूरी मेहनत से लगन से अभी भी लग जाइए, कुछ कर दिखाइए कि हम ऐसे थे। सब किताबी ही ज्ञान नहीं जरूरी होती, किताबों से सीख लिए सब किताबी ही ज्ञान जरूरत। संस्कार, समाज में कैसा संस्कार चल रहा है उसके साथ चलिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है उसके साथ चलिए। देखते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि गांव के हैं सर, घर की मुझे साग पर उसको मत समझिए, उनके अंदर ऐसा गुण है, मतलब चेहरे का ऐसा जमाना है कि आप कितना सुंदर है, आपके पास गुण नहीं है तो आप बेकार। आप पेन से लिखते हैं, 2 रुपए की पेन है वही 50 रुपए की पेन है, लेकिन 2 रुपए की वह ऐसा लिखावट देता है कि लोग 2 रुपए वाली लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैसा गुण है, इसलिए लोग 2 रुपए वाला इस्तेमाल करते हैं, वही 50 रुपए वाली फैशन के लिए रहते हैं। तो फैशन का चीज फैशन भी तक रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वह फैलेगा। तो ऐसा बनिए कि फैलिए, एक जगह नहीं, जिस तरफ गुलाब महकता है तो कुछ दूरी तक महकता है, ऐसा महकिए कि पूरे संसार में महक जाइए और सभी लोग आपको याद करें कि फलाने है, फलाने का लड़का है कि नहीं, ऐसा बनी। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अभी भी समय है, अपने लाइफ को बना लीजिए, अन्यथा आप बहुत जाकर उधर पछताएंगे। पहले हम लोग को कहा गया था कैसे करिए ऐसे करिए, हमने किया नहीं, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग हमारे प्यारे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ और हमारे विद्यालय का भी नाम हो, हम लोगों का भी नाम हो कि पढ़ाए हुए थे सर जी के लोग अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। इसी में कोई फेल होगा तो उसके घर वाले गाली देंगे कि वहां पे सर जी कैसे पढ़ा के हमारा बच्चा पास, नहीं नहीं समझेंगे हमारा बच्चा गया तो वहां पढ़ा नहीं, सर जी लोग सिफारिश करते थे कि पढ़िए, लेकिन पढ़े आप लोग नहीं, ये आपके ऊपर अपनी अपनी स्वयं गलती दीजिए कि हमने सर की बातों को नहीं मानी। अब ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा और मैं अपनी बड़ी बहन ग्राम देते हुए सर जी का धन्यवाद। आप मेहनत करेंगे तभी अपनी मंजिल को पाएंगे, तो कहा गया है मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,
मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे अध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप लोगों से कहना कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये जीवन जो है एक लंबी यात्रा के समान है और इस यात्रा में कभी दुख कभी सुख, एक दिन और रात का अंश भी है, इस पर तुम लोग चढ़ोगे और यही सफलता की मंजिल की तरफ पहुंचाएगी। तुम जैसी शिक्षा को जिस रूप में पढ़ोगे, शिक्षा भी आप लोगों को वैसा ही मार्गदर्शन करेगी। अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा। अगर उसी में थोड़ा गलत नजरिए से देखोगे, गलत नजरिए से पढ़ोगे तो उसको आपको वैसा ही लगेगा। कि शिक्षा दो तरीके से होती है, एक शिक्षा जो सामाजिक होती है, जो समाज का भलाई करती है, एक होता है जो समाज को बिगाड़ देती है। तो आप लोगों को कौन सी शिक्षा पढ़नी है, किस रास्ते पे जाना है, ये आप लोग तय करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को विशेषकर कक्षा 10 वालों को मैं एक वर्ष से देखते आया हूँ, वो तो कैसी शिक्षा ले रहे हैं और कैसा बनना चाहते हो, उनका कुछ भविष्य आपको स्पष्ट दिखाई दे दिया। इसलिए वो मैं इनको इतना ही कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये अभी समय है, कहते हैं जब जागो तभी से गया, आप जाग जाओ, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, कि जब तक व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंदर